कमर्शियल सेगमेंट में अगर हम बात करें, टाटा कभी से एक छत्र राज करता आया है और इसी राज इसी दबदबे को कायम रखने के लिए टाटा ने लॉन्च किया है ये प्रोडक्ट जिसका नाम है योद्धा 2.0। जी हाँ, नई गाड़ी है, नया मॉडल है योद्धा का। इसकी कीमत है 9,99,000 रुपये, कल ही लॉन्च हुआ है। और इस गाड़ी के बारे में जो जो बदलाव हुए हैं, जो जो बदलाव आपके काम आने वाले हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है तेजेन और आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन में क्या बदलाव किए हैं। अगर ऊपर से देखा जाए तो गाड़ी लगभग यूं ही दिखती है, लेकिन योद्धा में बहुत सारी चीज़ें बदली भी गई हैं जो छोटी लेकिन बहुत मोटी हैं। जैसे कि आपकी हेडलाइट का डिज़ाइन, वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। गाड़ी थोड़ी सी मॉडर्न, थोड़ी नई दिखती है इसकी वजह से। एक जो नई चीज़ जुड़ी है वो है ये LED DRL, यानी जैसे ही आप गाड़ी को स्विच देंगे ये लाइट्स जलने लगेंगी। गाड़ियों में, पैसेंजर गाड़ियों में आप ये चीज़ देखते हैं, अब कमर्शियल गाड़ियों में भी टाटा ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पे एक गार्ड दिया गया है जो आपको पत्थर से बचाएगा, यानी जब आप गाड़ी को नीचे उतार रहे हैं या ऊपर चढ़ा रहे हैं, रोड नहीं है तो यहाँ पर पत्थर लगने की समस्या कई बार बढ़ जाती है और कई बार बम्पर को भी डैमेज आता है। तो टाटा ने इस चीज़ को भी एक्नॉलेज किया है, यानी इस चीज़ को भी ध्यान में रखा है योद्धा 2.0 को डिज़ाइन करते हुए। अब बात करें साइड में, तो फेंडर जो हैं वो लोहे के बनाए गए हैं। टाटा का जो मेन मकसद था वो ये था कि इस गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे, क्योंकि योद्धा जाना गया है अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए। 16 इंच के रेडियल टायर आपको यहाँ मिलते हैं। नया ORVM, जो पैसेंजर गाड़ियाँ जो बाहर देश विदेश में भी आती हैं उनसे कहीं ना कहीं ये मेल खाता है। बड़ा शीशा है, कितना दिखता है कितना नहीं वो अभी ड्राइव के दौरान आपको बताएंगे। इसके बाद आपको योद्धा की एक बैजिंग, नीचे आपको पायदान मिलता है जिस पे आप आराम से पैर रख के इस गाड़ी में चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। पीछे की तरफ आएं तो जो मेन बदलाव हुआ है योद्धा 2.0 में वो है इसका डाला। ये गाड़ी अब 2 टन का पेलोड उठा सकती है। जी हाँ, 300 किलो की वृद्धि। पहले वाला योद्धा सिर्फ 1.7 टन, यानी 1700 किलो के लिए पास था, लेकिन ये 2 टन के लिए पास किया गया है। इसका कारण ये है कि टाटा चाहता है उसके कस्टमर बिना किसी फिक्र के इस गाड़ी को इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल ढो सकें, उनको किसी भी तरीके की कागजी दिक्कत ना आए। पीछे की तरफ आएंगे तो लगभग आपको वैसा ही डिज़ाइन देखने को मिलता है। हल्का सा टेल लाइट में, यानी पीछे वाली लाइट में बदलाव किया गया है इंडिकेटर में। यहाँ से इसका डाला खुलता है, जो कि आसान है, कभी से रहा है। योद्धा के जो कस्टमर हैं पहले, जिनके पास योद्धा है, वो भी इस चीज़ को बड़ा खुशी खुशी बढ़ चढ़ के बताते हैं कि योद्धा में सामान रखना और उतारना काफ़ी आसान रहा है। बात करें वेरिएंट्स की, तो 2 वेरिएंट ये में आ रहा है। एक में सिंगल कैब जो आपने अभी देखा यहाँ खड़ा है, और एक ड्यूअल कैब जिसमें 5 या 4 आदमी आप अपने हिसाब से बैठा सकते हैं। ये पास हुआ है एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के लिए। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल और रेगुलेशंस को देखते हुए सेफ्टी की सारी चीज़ें टाटा ने अपनी तरफ से इस गाड़ी में दी हैं। पीछे आपको यहाँ डाले की नीचे अंडर बॉडी प्रोटेक्शन का बार मिलता है। इसके बाद आपको साइड बॉडी प्रोटेक्शन के लोहे के बार मिलते हैं। पीछे आपको 9 पटे का, यानी 9 लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन मिलता है, क्योंकि पेलोड बढ़ गया है, 2 टन उठ सकता है। इसका मतलब 2 टन को झेलने की ताकत ज़्यादा अच्छे नए सस्पेंशन के साथ। आगे अगर बात करें तो सस्पेंशन को इंडिपेंडेंट कर दिया है, 6 लीफ स्प्रिंग यानी 6 पटों का सस्पेंशन आपको आगे पे मिलता है। टाटा इस बात को बहुत बढ़ चढ़ कर एक्नॉलेज कर रहा है, बोल रहा है कि हमने गाड़ी को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप इसको आफ्टर मार्केट यानी बाहर किसी भी मैकेनिक के पास आराम से ठीक करवा सकते हैं। एडिशनली टाटा बाहर मैकेनिक्स को हर 6 महीने में अपने नए प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेन भी करता है। यानी अगर आप योद्धा 2.0 खरीदने की सोच रहे हैं और लंबे रन में, यानी कई साल आप इसको रखना चाहते हैं, तो सर्विस, मेंटेनेंस, ये दोनों बेफिक्र होकर आप इस गाड़ी को एंजॉय कर पाएंगे। और कैबिन में बैठने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टाटा ने जो गाड़ियाँ यहाँ पर हमें ड्राइव करने के लिए बुलाया है, उन गाड़ियों में ऑलरेडी 2 टन का माल, यानी सीमेंट के कट्टे, बैग्स, वो भर रखे हैं, ताकि ड्राइवर को एक्सपीरियंस हो, हमें एक्सपीरियंस हो पाए कि सच में ये गाड़ी चलाने में कितनी दमदार है, क्या नए बदलाव हुए हैं। अब मैं गाड़ी के अंदर आता हूं और आपको दिखाऊंगा कि कैबिन कैसा है।
तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे, ये टाटा की पैसेंजर गाड़ियों में भी देखने को मिलता है और कमर्शियल में भी, कि दरवाजा जो है पूरा वाइड यानी लंबा खुलता है। इसका मतलब ये है कि अंदर बैठना और बाहर निकलना ये आसान रहने वाला है ड्राइवर के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी जो यहाँ बैठेंगे। अब मैं बता दूं, मेरी हाइट है 5'11" और सबसे पहले बैठते ही नए योद्धा में आपको वही फील आएगी जो आपको पुराने योद्धा में आ रही थी, यानी ऊंची ड्राइविंग पोजीशन, आपको पूरी रोड दिखती है, बोनट का हर एंड आपको क्लियर दिखता है। इसका मतलब गाड़ी का आइडिया लेना ड्राइवर के लिए बहुत ही आसान रहने वाला है नए योद्धा में भी। बाहर के शीशे जो कि मैंने आपको अभी बताया नए और बड़े कर दिए गए हैं, देखने में भी बेहतरीन है, क्वालिटी भी दमदार है। डीजल गाड़ी होने के बावजूद भी स्टार्ट करने पर ये शीशे हिलते नहीं हैं, यानी पीछे की विजिबिलिटी, पीछे देखने में आपको वहाँ भी आसानी रहने वाली है। स्टेयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ, पैसेंजर गाड़ियों में जो टाटा की पुरानी जेस्ट आती थी, बोल्ट आती थी, वही स्टेयरिंग व्हील, या टाटा सफारी जो इससे पहले वाला मॉडल आता था, वही स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर यूज़ किया है। तो आपको एक प्रीमियम और ऐसी फील मिलेगी इस गाड़ी में, ऐसा लगेगा कि मैं कमर्शियल नहीं कोई पैसेंजर गाड़ी चला रहा हूँ। गियर शिफ्ट लीवर की मैं बात करूँ तो गियर लंबा है, यानी हाथ आराम से पहुँचता है यहाँ तक, और इसको शिफ्ट करना भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़ा ही प्रिसाइज है और आराम से आप गियर बदल सकते हैं। कैसा फील होगा वो मैं अभी गाड़ी चलाने के बाद आपको ज़रूर बताऊँगा। क्लच पैडल की बात करूं, ब्रेक की बात करूं, एक्सेलरेटर की बात करूं, तो टाटा ने ड्राइवर के कंफर्ट के बारे में सोचते हुए उनको सेट किया है, यानी आप इस गाड़ी को अगर लंबा चला रहे हैं, इंटरस्टेट ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं दूसरे स्टेट में सामान लेकर जा रहे हैं, तो आपके पैर थकने नहीं वाले हैं, ड्राइवर को थकान नहीं होगी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो मुझे लगता है कि टाटा शायद दे सकता था, जैसे कि ड्राइवर साइड के इस दरवाजे में कोई सामान रखने की जगह नहीं है, ये आप यहाँ पर सामान रख सकते हैं, अपना फ़ोन रख सकते हैं। फ़ोन से मैं दिखा दूं कि यहाँ पर एक चार्जिंग का पॉइंट भी दिया गया है 5 वोल्ट का, यानी आप यहाँ केबल लगा सकते हैं अपनी और फ़ोन को आप गाड़ी चलाते टाइम आराम से चार्ज कर सकते हैं। HVAC कंट्रोल्स, यानी गाड़ी में टाटा ने AC हीटर का फंक्शन अब स्टैंडर्ड दे दिया है, तो इसका मतलब कम्फर्ट के बारे में टाटा योद्धा के जरिए ड्राइवर पैसेंजर के लिए खूब सोच रही है और उन्होंने अपनी तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश भी की है। AC का बटन है, हीटर भी आपको मिलता है, इसका मतलब जब धुंध में या ठंड में आप गाड़ी चलाएंगे तो अंदर शीशों पे जो धुंध जम जाती है उसको साफ आप आसानी से कर सकते हैं, वो कपड़ा उठाकर आपको बार बार साफ नहीं करना पड़ेगा। डैशबोर्ड की बात करूँ, छोटा है, धूप लगने पर इसकी रिफ्लेक्शन, यानी धूप लगने पे यहाँ पर जो डैशबोर्ड की रिफ्लेक्शन आती है उससे ड्राइवर कई बार परेशान हो जाते हैं। डैशबोर्ड का डिज़ाइन ऐसा है कि इसमें वो बहुत कम होने वाला है, ज़्यादा लंबा चौड़ा डैशबोर्ड नहीं है। क्वालिटी की बात करें तो टाटा क्वालिटी के लिए जाना गया है, जो लोहा टाटा लगाता है वो कभी से दमदार रहा है और प्लास्टिक भी अपनी तरफ से टाटा ने दिल खोल कर इस गाड़ी में लगाया है। हाँ, आपको स्टीरियो नहीं मिलता है, उसकी जगह डमी कवर दे दिया है, यानी आप इसको निकाल के अपने मनपसंद स्टीरियो को फिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और डमी पोर्ट या चार्जर के लिए जगह दी गई है, बटन भी फिट कर सकते हैं, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी, कोई लाइट या कुछ लगवाना है तो वो यहाँ पर आप आसानी से कनेक्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट, अपना छोटा मोटा सामान आसानी से रख सकते हैं। और इस ग्लव बॉक्स की एक खासियत जो मुझे बड़ी पसंद आई वो है इसके कप होल्डर। तो जी हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं लंबा, रास्ते में कहीं खाने के लिए ब्रेक ले लिया और आप पानी पी रहे हैं या साथ में कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, कुछ रखने का मन है ग्लास, और नीचे जगह ना मिले तो आप गाड़ी का ये खोलिए ग्लव बॉक्स और यहाँ पर रख दीजिए 2 ग्लास आसानी से, तो आपको ना तो थकान होने वाली है जैसा कि अब तक मुझे फील हो रहा है, और दूसरा खाने पीने में भी आसानी रहने वाली है। इसके बाद डैशबोर्ड में आपको यहाँ भी एक छोटी सी जगह दी गई है जिसमें आप अपनी डॉक्यूमेंट या आपकी टोल की जो रसीद हैं वो, या आपका जो सामान के बिल हैं वो आसानी से यहाँ रख सकते हैं, आसानी से खोल के किसी को दिखा सकते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ रख दिया। हैंड ब्रेक दिया है जी राइट साइड में, जो कि और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब गाड़ी स्टीप इंक्लाइन पे, यानी ऊंचाई पे, चढ़ाई पे आप गाड़ी को चढ़ा रहे होते हैं तो हैंड ब्रेक का बड़ा यूज़ होता है, क्योंकि हैंड ब्रेक खींच कर बहुत से लोग गियर लगाकर गाड़ी को उठाते हैं लोड में,
तो बार बार हैंड ब्रेक को यहाँ ढूंढना मुश्किल होता, इसलिए टाटा ने यहाँ लगाया और इससे एक समस्या और हल कर दी है, वो है जी स्पेस की। तो टाटा स्पेस के लिए भी जाना गया और यहाँ पर हैंड ब्रेक अब इधर आ गया है, तो यहाँ आपको जगह आसानी से एक या मैं कहूँगा शायद दो आदमी भी फिट हो सकते हैं। हालांकि टाटा सिर्फ दो ही इंसानों के लिए ये सिंगल कैब ऑफर कर रहा है। सीट बेल्ट आपको दी गई है, सीट आगे पीछे तो हो सकती है बट ऊपर नीचे हाइट के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सकती, ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इस गाड़ी में। हेडरेस्ट इन्होंने एडजस्टेबल दिए हैं, बटन दबाकर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। एक छोटा सा शीशा दे दिया है जिसे आप हवा पास करवा सकते हैं अगर आपका मन एसी चलाने का नहीं है। इसके अलावा इस पूरे कैबिन में और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत नया बनाता है योद्धा को, लेकिन दो ऐसे फीचर दिए हैं टाटा ने जिससे डेफिनेटली ये गाड़ी पुरानी योद्धा से आगे निकल गई है। और वो फीचर हैं, राइट साइड में यहाँ पर दिया गया है इको बटन, इसको आप दबाएंगे तो गाड़ी की एवरेज बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी कि जो आपका एक्सेलरेटर है, आप जितनी रेस देंगे गाड़ी आराम से उठेगी, ना कि वो तेज़ भागेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाएगी या उठ नहीं पाएगी, सब होगा लेकिन एवरेज बढ़ जाएगी। और दूसरा, टाटा ने इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिया है एक गियर शिफ्ट इंडिकेटर, तो टाटा योद्धा आपको खुद बताएगी कि एवरेज बढ़ाने के लिए अब आपको गियर बदल देना चाहिए। तो ये है टाटा योद्धा 2.0 का इंटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी को टेस्ट ट्रैक पे लेकर, सामान अंदर लगा हुआ है गाड़ी में 2 टन पूरा टाटा की तरफ से, टेस्ट करेंगे, चलाएंगे और आपसे मिलता हूं मैं बहुत जल्दी इसी वीडियो में। बैठे रहिए और चाय पीते रहिए। जैसा कि आपने देखा, हमने योद्धा 2.0 को अभी चलाया एक छोटे से टेस्ट ट्रैक पे जो टाटा ने यहाँ पर स्पेशली बनाया है। गाड़ी में 2 टन का लोड भी डाला था ताकि इंजन की कैपेबिलिटी, इंजन कैसा परफॉर्म करता है, गाड़ी चढ़ाई पे कैसी चलेगी, पानी में कैसी चलेगी, टूटी सड़कों पे कैसी चलेगी, लोड के साथ वो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इंजन की बात करूँगा। 2200cc का DI इंजन है, 4 सिलेंडर, 100 हॉर्स पावर बनाता है, 5 गियर दिए गए हैं और जो टॉर्क है, यानी जैसे ही आप क्लच उठाते हैं गाड़ी दूसरे गियर में भी खड़ी उठती है, ये स्पेशलिटी टाटा की कभी से रही है। योद्धा 2.0 में ये UQ बरकरार है। एक चीज़ जो मैंने गाड़ी में बैठते ही फील करी वो थी रिफाइनमेंट। हाँ जी, गाड़ी के पेडल, गाड़ी का जो गियर लीवर है, स्टेयरिंग है, उनमें इतनी वाइब्रेशन, यानी वो काँपते नहीं हैं इतना जितना पहले वाले मॉडल में शायद थोड़ा सा ज़्यादा था। और बात करूं मैं चलाने की, ड्राइविंग कंफर्ट की, 5'11" हाइट के हिसाब से गाड़ी में बैठने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इस गाड़ी को आराम से 300-400 किलोमीटर बिना ब्रेक के चला सकता हूं। हालांकि 91 ट्रक्स आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा कि आप इतने लंबे डिस्टेंस पे चलाएं गाड़ी को बिना ब्रेक लिए, बट टाटा ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप चला भी सकते हैं। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ, गाड़ी ब्रेक लगाने पर ढंग से रुकती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकिंग बड़ी ही शानदार है, कि ब्रेकिंग पैसेंजर गाड़ियों जैसी है, लेकिन कमर्शियल सेगमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो ब्रेकिंग डेफिनेटली बड़े अच्छे तरीके से कैलिब्रेट करी है, यानी लगाई इस तरीके से है कि किसी भी ड्राइवर को घबराहट बिल्कुल नहीं होगी कि गाड़ी रुकेगी नहीं। इसके बाद बात करें अगर कि फ्यूल इकोनॉमी कितना देगी, यानी एवरेज कितना देगी गाड़ी की, वो अभी टाटा ने डिस्क्लोज नहीं किया है, नहीं बताया है, बट 91 ट्रक्स आपको वादा करता है कि जल्द ही हम इस गाड़ी का कंपैरिजन भी करेंगे इसके राइवल्स, इसके टक्कर वाली पिकअप ट्रक्स के साथ, और एक एवरेज का भी रन करके दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि योद्धा 2.0 कितनी एवरेज दे सकता है। तो देवी और सज्जनों, इस वीडियो में योद्धा 2.0 के लिए आज इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ छूट गया है, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं योद्धा 2.0 के बारे में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। प्लस हमारी और दूसरी वीडियोस दूसरे पिकअप ट्रक की भी आ चुकी हैं ऑनलाइन, हमारे चैनल पर लाइव हैं,
आप जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको चाहिए लेटेस्ट अपडेट्स तो 91 ट्रक्स का इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करना ना भूलें। जी हाँ, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम फेसबुक पे भी हैं 91 ट्रक्स के नाम से। तो अगली ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियो में मैं जल्दी मिलूंगा आपसे। अभी के लिए नमस्कार। दिस इज़ मी तेजेन, कैमरा पर्सन जूलियन सिंह के साथ, हैदराबाद से। नमस्ते।